इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको MS Paint का परिचय दिया और उसके होम टैब के ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम आपको MS Paint के होम टैब के सभी ऑप्शंस का उपयोग करते हुए कलरफुल ड्राइंग बनाना बताएंगे। आइए अब हम कुछ बनाकर देखते हैं। हमने पेंसिल पर लेफ्ट क्लिक करके ये ट्राइंगल बनाया। अब इसे हम घर की आकृति देना चाहते हैं, पर पेंसिल से लाइन अच्छी नहीं बन रही थी, इसलिए हमने शेप्स से लाइन ली और उससे ट्राइंगल के नीचे का हिस्सा बना लेते हैं। हमने एक लाइन खींची, देखिए अभी ये लाइन एक्टिव है। और यदि आप इसे और लंबा या छोटा करना चाहते हैं तो माउस से कर सकते हैं। अब हम दूसरी लाइन खींचना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें कहीं पर माउस से क्लिक करना होगा। अब हम इसी तरह दूसरी लाइन भी खींच लेते हैं। इस तरह से ये हमने घर बना लिया है। अब हमें अपने घर में एक गोल खिड़की चाहिए, तो उसके लिए हम पेंसिल को सिलेक्ट करके एक सर्कल बना लेते हैं। पर देखिए ये सर्कल अच्छे से नहीं बना है, तो हम इसे मिटा देते हैं। इसको मिटाने के लिए हम रबर यानी इरेजर का उपयोग करेंगे। उसके लिए टूल्स सेक्शन में से इरेजर पर क्लिक करें, उसके बाद ड्रॉइंग का जो हिस्सा मिटाना चाहते हैं उस पर माउस से क्लिक करके उसे बिना छोड़े यानी क्लिक को दबा करके रखना है और आगे पीछे घुमाना है। ये देखिए ये सर्कल इरेज हो रहा है। अब हम दूसरे तरीके से सर्कल बनाते हैं। उसके लिए शेप्स में से सर्कल सिलेक्ट करेंगे और जहां खिड़की बनानी है वहां माउस से क्लिक करके बिना छोड़े एक सर्कल बना देंगे। अब बाहर कहीं भी क्लिक करें, पर यहां पर आप देख सकते हैं कि सर्कल गोल नहीं है, इस सर्कल को भी इरेज कर देते हैं। अब अच्छे से गोल सर्कल को बनाने के लिए फिर से सर्कल सिलेक्ट करें और कीबोर्ड में शिफ्ट दबाकर रखें, फिर माउस से सर्कल बनाएं। ये देखिए ये हम जो सर्कुलर खिड़की बनाना चाहते थे वो बन गई है। अब हम घर में रंग भरते हैं। उसके लिए हम फिल विद कलर यानी रंग वाली बाल्टी का उपयोग करेंगे। रंग भरने के लिए इस आइकन पर क्लिक करें, फिर कलर पैलेट में से अपना पसंदीदा रंग चुनें और घर के जिस हिस्से में रंग भरना चाहते हैं वहां पर क्लिक कर दें। ये देखिए हमने घर की छत में लाल रंग भर दिया है। अब हमें घर के नीचे हरे रंग की घास चाहिए, तो उसके लिए हम ब्रशेज ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ये हमने ब्रशेज ऑप्शन के डाउन एरो पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही ये एक मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू के अंतर्गत भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे एयर ब्रश, क्रेयॉन, मार्कर इत्यादि। इनमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन चुन सकते हैं। हम एयर ब्रश पर क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद हम ग्रीन कलर पर क्लिक करेंगे। अब हमें ड्रॉइंग में जहां पर भी घास चाहिए वहां माउस से क्लिक करेंगे और क्लिक को बिना छोड़े आगे पीछे ड्रैग करेंगे। ये देखिए घर के आसपास हरी घास बन रही है। अब हम अपने पूरे घर में रंग भर लेते हैं। ये देखिए हमने पूरे घर को रंग दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास सितारे नजर आएं, तो हम शेप्स में से ये 5 पॉइंट पर क्लिक करके माउस की सहायता से घर के आसपास सितारे बना लेते हैं। पर ये क्या हुआ, सितारों में रंग तो भरा ही नहीं, केवल आउटलाइंस हैं। अब एक तरीका ये है कि हम सितारे बना दें और एक एक करके रंग वाली बाल्टी से सब में रंग भरें। या दूसरा तरीका ये है कि हम फिल ऑप्शन का उपयोग करें, जिससे हम जो भी सितारा बनाएंगे उसमें कलर भरा हुआ होगा। फिल ऑप्शन पर जाकर डाउन एरो पर क्लिक करें, फिर ओपन हुए मेनू में से सॉलिड कलर पर क्लिक करें। इसके बाद आप सितारे में जो भी रंग चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले कलर 2 पर क्लिक करें, फिर कलर पैलेट में से उस रंग पर क्लिक कर दें। हम ये कलर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम सितारा बना लेते हैं। हमें सितारे में ये रंग अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसके अंदर भी कलर 1 वाला कलर ही चाहते हैं। उसके लिए हमें कलर 2 में भी वही कलर सिलेक्ट करना होगा जो कलर 1 में है। हम फिर से सितारा बनाकर देखते हैं। ये देखिए अब हम जो भी सितारा बना रहे हैं वो पूरा लाल बन रहा है। इसके साथ ही हम शेप फिल के अन्य ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हम एक एक ऑप्शन पर जा रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे शेप में दिखाई पड़ रहा है।
आप जिसका भी उपयोग करना चाहें उसे सिलेक्ट कर लें। यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी सितारा बनाएं उसकी आउटलाइन नीली हो, तो कलर 1 पर क्लिक करने के बाद कलर पैलेट में से नीले रंग पर क्लिक करें। अब हम सितारा बनाकर देखते हैं। ये देखिए, अब जो सितारा बन रहा है उसकी आउटलाइन नीली है। आइए इसी के साथ हम आउटलाइन के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हम एक एक ऑप्शन पर जा रहे हैं और उसका प्रभाव इस शेप पर दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा हो उसे सिलेक्ट कर लें। यदि आपको कलर पैलेट में दिखाई दे रहे कलर्स के अलावा कोई और कलर चाहिए, तो उसके लिए आप एडिट कलर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर ओपन हुई विंडो में दिखाई दे रहे कलर कॉम्बिनेशन में से और कलर भी चुने जा सकते हैं। हम एडिट कलर्स वाली इस विंडो को बंद कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक खास बात बता दें कि यदि आप ड्राइंग एरिया पर दिखाई दे रहा कोई भी रंग ड्राइंग एरिया में किसी अन्य जगह पर भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कलर पिकर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम ये भी आपको करके बता देते हैं। मान लीजिए हम सितारे में हमारे घर के दरवाजे में दिखाई दे रहा रंग भरना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले बाल्टी पर क्लिक करेंगे, फिर टूल्स सेक्शन में दिखाई दे रहे कलर पिकर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आपका माउस पॉइंटर पिकर की तरह दिखने लगेगा। अब इस ड्राइंग में से जिस कलर को कॉपी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। हम दरवाजे वाले कलर पर क्लिक कर रहे हैं। ऐसा करते ही माउस पॉइंटर पिकर से बदलकर रंग वाली बाल्टी की तरह दिखने लगेगा। अब आप जहां पर भी इस कलर को भरना चाहते हो वहां पर क्लिक कर दें। हम इस सितारे में क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, इस सितारे में घर के दरवाजे वाला रंग भर गया है। अब हम आपको होम टैब के अन्य ऑप्शंस की जानकारी दे देते हैं। उसके लिए हम एक पेड़ बनाते हैं। ये हमने तने के लिए एक लाइन खींची, अब दूसरी लाइन खींची, पर ये क्या, दूसरी लाइन थोड़ी बड़ी बन गई है। इसे हटाने के लिए हम अंडू करते हैं। अंडू का मतलब है अपनी लास्ट एक्शन को वापस लेना। आसान भाषा में कहें तो यदि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और आपको आपके द्वारा किया गया जो आखिरी काम है, जैसे कि लाइन है या सर्कल कलर है, कुछ भी है, वो उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अंडू फंक्शन के द्वारा उसे पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं। अंडू ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में लेफ्ट तरफ मिलता है, उस पर क्लिक करें, या फिर अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल और जेड, इसे एक साथ प्रेस करें। अंडू ऑप्शन का उपयोग करते ही देखिए जो हमने सबसे बाद में लाइन खींची थी वो हट गई है। अब हम पूरा पेड़ बना लेते हैं। यदि इस पेड़ की तरह एक और पेड़ चाहिए, तो उसके लिए पहले होम टैब में से सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इस पेड़ को माउस की सहायता से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इस पेड़ को कॉपी करने के लिए फिर होम टैब में दिखाई दे रहे कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करें, या कंट्रोल और सी कीज को एक साथ प्रेस करें। ऐसा करते ही ये इमेज कॉपी हो जाएगी। अब इस कॉपीड इमेज को पेस्ट करने के लिए या तो होम टैब में दिखाई दे रहे पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, या फिर कंट्रोल और वी कीज को प्रेस करें। ये देखिए, ऐसा करते ही ये पेड़ यहाँ पर पेस्ट हो गया है और एक और पेड़ आ गया है। अब हम इस पेड़ को छोटा करना चाहते हैं और कहीं दूर जगह सरकाना चाहते हैं, तो उसके लिए पेड़ के चारों तरफ दिखाई दे रही लाइन पर जो बिंदु हैं, उनमें से कोने वाले बिंदु पर क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करें। ये देखिए, पेड़ छोटा हो गया है। अब इस पर माउस से क्लिक करके माउस का बटन दबाकर रखते हुए नीचे की तरफ ड्रैग कर लें। आप चाहें तो किसी ड्राइंग को सिलेक्ट करने के बाद रीसाइज ऑप्शन से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ड्राइंग को सिलेक्ट करने के बाद रीसाइज ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये विंडो ओपन होगी। इसमें बाय परसेंटेज ऑप्शन सिलेक्टेड है और उसके नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ऑप्शंस हैं, और उसके नीचे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो के सामने चेकबॉक्स है। अगर आप अपनी ड्राइंग की लंबाई चौड़ाई समान अनुपात में बढ़ाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने दें। इससे जो परसेंट आप हॉरिजॉन्टल वाले बॉक्स में डालेंगे वही वर्टिकल वाले बॉक्स में अपने आप आ जाएगा।
पर यदि आप दोनों का रेशियो अलग रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अनचेक कर दें। यह हमने इसे अनचेक कर दिया है और यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल में चेंजेस भी कर दिए हैं। अब ओके पर क्लिक करें। ये देखिए पेड़ की साइज बदल गई है। अब इस सिलेक्शन से बाहर आने के लिए माउस से कहीं और क्लिक करें। अब यदि इस छोटे वाले पेड़ को इस ड्राइंग में कहीं और शिफ्ट करना हो तो इसे कट करके कहीं और भी पेस्ट किया जा सकता है। उसके लिए पहले पेड़ को सिलेक्ट करेंगे, फिर कट करने के लिए या तो क्लिपबोर्ड में कट ऑप्शन पर क्लिक करिए या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल और एक्स कीज को एक साथ प्रेस करें। ऐसा करते आप देख सकते हैं छोटा वाला पेड़ यहाँ से हट गया है। अब पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल और वी कीज को एक साथ प्रेस करें। देखिए पेड़ पेस्ट हो गया है। अब आप चाहें तो इसे अपने अनुसार दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने पेड़ को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग में केवल घर दिखे तो इस ड्राइंग को क्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए पहले सिलेक्ट ऑप्शन के डाउन एरो पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही ये एक मेन्यू ओपन हो गया है। हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक कर रहे हैं और केवल घर को सिलेक्ट करें। फिर होम टैब में दिखाई दे रहे क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करते ही देखिए ड्राइंग में केवल घर ही दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको अन्य ऑप्शंस की जानकारी दे देते हैं, पर उससे पहले कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू करते हैं और ड्राइंग को पहले जैसा बना देते हैं। ये देखा आपने, हमने अंडू का कितना अच्छा उपयोग किया। यहाँ पर आप रोटेट ऑप्शन देख रहे होंगे। इसका उपयोग करके आप किसी भी सिलेक्टेड ड्राइंग को उल्टा या सीधा घुमा सकते हैं। हम आपको ये करके दिखा देते हैं। इसके लिए हम बड़े वाले पेड़ को सिलेक्ट करेंगे। अब रोटेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए एक मेन्यू ओपन हुआ है। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हम इसमें से रोटेट राइट 90 डिग्री पर क्लिक कर रहे हैं। इस पर क्लिक करते ही देखिए पेड़ राइट साइड में घूम गया है। अब हम अंडू करके इसे पहले जैसा कर देते हैं। ये देखिए पेड़ वापस सीधा हो गया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा ऑप्शन बता देते हैं, रीडू ऑप्शन। रीडू अंडू के अपोजिट काम करता है। जिस तरह से काम करते समय किसी गलती को सुधारने के लिए अंडू फंक्शन का उपयोग किया जाता है और अंडू फंक्शन का उपयोग करने के बाद आपको लगता है कि कोई गलती हुई ही नहीं थी, पहले जैसा था वही ठीक था, तो आप काम को वापस पहले वाले रूप में लाने के लिए रीडू फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने पेड़ को सीधा किया पर हम चाहते हैं कि पेड़ फिर से पहले जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो हम क्विक एक्सेस टूल बार में रीडू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए पेड़ पहले वाली स्थिति में आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइंग तो हमने बना ली, पर यदि अपनी ड्राइंग में कुछ लिखना हो तो उसके लिए टूल्स सेक्शन में दिखाई दे रहे टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद अपनी ड्राइंग में जहाँ कुछ लिखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करें। ऐसा करते आप देख सकते हैं ड्राइंग एरिया में टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब आप जो भी लिखना चाहें वो यहाँ लिख सकते हैं और चाहें तो यहाँ दिखाई दे रहे ऑप्शंस की सहायता से फॉन्ट्स का साइज और प्रकार भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने अपनी ड्राइंग में टेक्स्ट लिख लिया है। इस वीडियो में हमने होम टैब का अच्छे से उपयोग करते हुए एक सुंदर सी ड्राइंग बनाई। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको MS Paint के फाइल टैब और व्यू टैब के बारे में बताएंगे।